सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहां जितना भी कॉमर्शियलाइजेशन हुआ या जितना भी बिजनेस फैला है, उसने स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया। जैसे आप किसी भी विदेशी कंपनी का विज्ञापन अगर देखो तो हर विज्ञापन में स्त्री शरीर का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे, भले विज्ञापन ब्लेड का हो लेकिन चेहरा स्त्री का दिखाएंगे। ब्लेड आप जानते हैं, शेविंग ब्लेड, तो शेविंग ब्लेड तो पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज है, उसमें स्त्री का चेहरा क्यों? क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी को हिट करना, आपके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करना। यूरोप की जितनी भी कंपनियां कपड़े बनाती है ना शूटिंग शर्टिंग्स के, वो सब महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विज्ञापन कराते हैं। पुरुषों के इस्तेमाल आने वाला अंडरवियर बनियान स्त्री शरीर पर पहनाकर बेचा जाता है। और वहां के जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें तो वहां के अखबार एक दिन का 1 किलो का होता है, इतना वजन का होता है, 250-300 पन्ने उस अखबार में हो सकते हैं, 3/4 हिस्सा उस अखबार का भरा रहता है वेश्याओं के विज्ञापन से। भाई आप लोग यार जरा भी समझते नहीं, बाहर चले जाओ ना बात करने के लिए, इतने शांति से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर कचर कर रहे हैं। कोई भी विज्ञापन अखबार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मैगजीन उठाकर देखो, पढ़ो उसको आप, 101% विज्ञापन महिलाओं के वेश्याओं के, मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोअर पार्ट इतना है, आप आइए फोन पर संपर्क करिए, यूरोप के अखबार हो या अमेरिका। और उनकी हेडलाइंस भी अखबारों की कुछ इसी तरह की होती है, डायना आज स्विमिंग पूल में उसके साथ गई नहाने के लिए, वो नेशनल न्यूज हेडलाइन, हाँ नेशनल न्यूज, डायना मर गई तो हेडलाइन भी मर गई। इस तरह की स्थिति है, अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी है। फिर वहां के जो टेलीविजन चैनल है, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही रख के काम करते हैं। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमने उनके टीवी चैनलों के सीरियल की नकल करनी शुरू कर दी, हमने उनकी मैगजीन की नकल करनी शुरू कर दी, उनके अखबारों की नकल करनी शुरू कर दी, तो इस देश में भी सीरियल बनने लगे, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, कहीं किसी रोज, पता नहीं क्या क्या नाम, एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सभी सीरियल का एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हर सीरियल में किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, कोई पुरुष 3 स्त्रियों को फंसाना चाहता है, कोई स्त्री 10 पुरुषों को फंसाना चाहती है। जो यूरोप और अमेरिका का कचरा है वो हमारे टीवी सीरियलों में घुस गया और ये रोज दिखाया जा रहा है। हम बड़े प्रेम और शांति से देख रहे हैं इस उम्मीद में कि इसमें से कुछ मजा आएगा। मजा क्या आएगा, थोड़े दिन में आपके घर में यही होने लगेगा, ऐसे ही होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, इसलिए होने लगेगा कि मैं बचपन की एक कहानी याद है, मुझे माताजी मंदिर लेके जाती थी, तो मैं कहता था रोज रोज एक ही मंदिर में आना और वही भगवान का दर्शन करना, इसमें क्या रखा है। तो मेरी माताजी कहती थी कि देख, बार बार दर्शन करने से ईश्वर के जो गुण हैं वो अपने अंदर आने लगते, इसलिए एक ही मंदिर में जाना, बार बार दर्शन करना बुरा नहीं है। अब ये बात मैं कभी भूलता नहीं। अब हमारे घरों में रोज रोज एक ही तरह के सीरियल का दर्शन हम करते हैं तो उनके भी गुण हम में आने लगेंगे, आने लगेंगे तो तर्क चल जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या खराबी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई खराबी नहीं है तो यहां क्या खराबी है। और जब ये चल पड़ेगा तो सब कुछ टूटेगा इस देश में, सब कुछ टूटेगा। यूरोप और अमेरिका में तो परिवार है नहीं तो टूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है, यहां व्यवस्थित परिवार है, ये टूट गया तो सब टूट जाएगा। और हमारे यहां आज हिंदुस्तान में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा असर विदेशी दर्शन से है, यूरोपियन फिलॉसफी से है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। हमारी आंखों में आ गया, और आंखों में आ गया है तो उतर गया शरीर में,
तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन मनाए जाते नहीं देखा है, वैलेंटाइन डे सब जगह। अब ये रक्षाबंधन नहीं रहेगा और वैलेंटाइन डे सब जगह आ जाएगा तो वो तो सेक्स ऑब्जेक्ट ही होने वाला है ना। अंतिम परिणाम यही निकलेगा, हर घंटे बलात्कार, हर घंटे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने ही वाली हैं। फिर हम कितने ही कानून बना लें वो रुकेंगे नहीं। यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्यागर। तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले तक एक तख्ती लगी होती थी, अब वो तोड़ के उन्होंने हटा दिए, तख्तियां लगी रहती थी। फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, डेनमार्क में जाओ तो डेनिश में, नीदरलैंड में जाओ तो डच भाषा में उन तख्तियों पे कुछ लिखा रहता था। जैसे रेड लाइट एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया, ये यूरोप का शब्द है, भारतीय शब्द नहीं, रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया जहां शुरू होता है वहां एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, सावधान, कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर्ग करने तो नहीं जा रहे, सावधान। क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं, पैदा होते ही छोड़ दिया, वो लावारिस घर में पली है, बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको, वैश्या बना दिया। अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर्ग करना ना पड़ जाए, तो वहां लिखा रहता है। तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है? तो वहां एक आजकल डॉक्टर बैठने लगे हैं जो ब्लड चेक करते हैं आपका, कि आपका ब्लड ग्रुप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ही बेटी, आपकी ही बहन। इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ यूरोप, जहां के पुरुष अपनी बहनों से, बेटियों से संसर्ग करने के लिए वेश्या घरों में जाते हो और वहां से कोई हमको ये बढ़ाने आए कि तुम नालायक हो, हम महान हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए, अमेरिका में बस। अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की, तो पता है कैसे करते हैं? वो कहते हो राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका। मैं पूछा क्या अच्छा है? अरे यहाँ होटल है यार, 10,000 कमरे का होटल, भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता, हमको धर्मशाला की जरूरत है। तो हमारे यहाँ हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100-100 हो सकती है, उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं।